मॉर्निंग एवरीवन, आज हम लोग सेंटेंस के बारे में जानेंगे और सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है वाक्य। तो सेंटेंस को जानने से पहले सबसे हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग जो प्रारंभिक क्लासेस होते हैं तो सबसे पहले हम लोग लेटर को सीखते हैं, लेटर सीखते हैं। लेटर के बाद हम लोग वर्ड सीखते हैं, लेटर को जोड़ जोड़ के वर्ड बनाते हैं, जैसे ए बी सी डी या फिर क ख ग घ ङ ग। ये सब क्या चीज़ है? एक लेटर है, अक्षर है। तो जब इन सभी चीज़ों को जोड़ा जाता है, मतलब एक एक वर्ड को एक एक लेटर को जोड़कर हम क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। और एक एक अक्षर को जोड़ के हम शब्द बनाते हैं। जैसे जैसे एल प्लस ओ प्लस टी प्लस यू प्लस एस, लोटस। लोटस मीन्स होता है कमल। अब ये जो एक एक लेटर को हमने जोड़ करके एक वर्ड बनाया, उसी तरह हिंदी में जो अक्षर है क जोड़ म जोड़ ल, बराबर क्या हुआ? कमल हुआ। तो लेटर सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक क्लासेस में क्या सीखते हैं? लेटर सीखते हैं, लेटर से वर्ड बनाना सीखते हैं, फिर वर्ड्स को जोड़ करके एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाते हैं जो कि एक सेंटेंस फॉर्म करता है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? लेटर सीखा। लेटर के बाद उसको जोड़ करके, उसको ऐड करके क्या सीखा? वर्ड सीखा। वर्ड को जोड़ जोड़ के हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाए जो कि एक सेंटेंस भी फॉर्म करता है। तो चलिए हम लोग सेंटेंस को जानते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस एंड इज ग्रामेटिकली करेक्ट इज कॉल्ड सेंटेंस। तो यहाँ पे जो परिभाषा है, परिभाषा कहता है कि शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो सेंटेंस कहलाता है, और जो कि जो व्याकरण के अनुसार बिल्कुल सही होना चाहिए। तो जब हम भाषा सीखते हैं, चाहे वो लिटरेचर हिंदी हो या इंग्लिश है, तो उसमें व्याकरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे यही कह रहे कि सेंटेंस का डेफिनेशन कहता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस एंड इज ग्रामेटिकली करेक्ट इज कॉल्ड सेंटेंस। कि शब्दों का समूह जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? अर्थपूर्ण होते हैं, अर्थात उस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का पूरा पूरा अर्थ प्रकट करता है, और जो कि व्याकरण के अनुसार पूरा करेक्ट हो, सही हो, तभी वो सेंटेंस कहलाता है। अदरवाइज कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस नहीं कर सकते हैं जबकि वो ग्रामेटिकली पूरा करेक्ट ना हो। तो चलिए हम लोग कुछ उदाहरण के द्वारा कुछ सेंटेंस को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग समझेंगे कि कैसे वो एक सेंटेंस फॉर्म करता है। तो देखिए यहाँ पे लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नीचे दिए गए ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम पहले देखते हैं। जैसे कि डेफिनेशन क्या कहता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। तो कब वो सेंटेंस कहलाएगा? जब वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो और वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो एक कंप्लीट सेंस बनाता है। तो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, एंड हियर सी कम। यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ वर्ड है कितने वर्ड की ग्रुप है? 1 2 3 4, मतलब 4 वर्ड का एक ग्रुप है। तो क्या यह एक सेंटेंस है? एंड हियर सी कम, मतलब ये जो सेंटेंस है क्या इसका सीक्वेंस सही है? क्या ये ग्रामेटिकली सही है? हमें ये देखना है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स सही है या नहीं जो सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है, हियर स्टैंड ही डज व्हाई मैंगो हाउ द स्वीट इज नो हैज मनी। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है या मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो ना कोई सेंस प्रकट कर रहा, ना कोई सेंस दे रहा है, ना ही ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो हम इसे सेंटेंस नहीं कर सकते हैं। दिस ग्रुप डू नॉट मेक एनी सेंस, लेट अस रीराइट देम। यहाँ एज देखिए, यहाँ पे कहता है कि ये जो ऊपर में जो दिए गए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो कोई भी सेंस नहीं बनाता है। अब हम उसको दूसरी तरह से लिखते हैं, एक सही सेंटेंस की तरह लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में है कम एंड सिट हियर, आओ और यहाँ बैठो, यह एक कंप्लीट सेंस प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट है व्हाई डज ही स्टैंड हियर, वह यहाँ पे क्यों खड़ा है। नेक्स्ट है हाउ स्वीट द मैंगो इज, आम कितना मीठा है। ही हैज नो मनी, उसके पास पैसे नहीं है। तो अब देखिए ये जो हमने जो फर्स्ट में जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हैं वो अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं प्रकट करता है, लेकिन जब उन्हें मैं फिर से दोबारा उसको सही करके लिखा तो अब ये जो सेंटेंस हमने जो लिखा वो अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट
है, इस सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहला काम है हमारा कि कुछ चीजों को ध्यान देना है। फर्स्ट फिर कहता है नोट, ये नोट के रूप में है, ए सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट में हमने जो अटरेंडम ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे थे उसमें ये जो एंड है वो हमें स्मॉल लेटर से शुरू हुआ है, जो कि और इसका जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल अटरेंडम है, जो एक सेंटेंस फॉर्म नहीं करता है। लेकिन जब उसको करेक्ट करके मैंने यहाँ पे लिखा, तो अब यहाँ पे देखिए जब वो सेंटेंस शुरू हुआ है, कोई भी सेंटेंस, मैंने यहाँ पे चार एग्जाम्पल दिए हैं सेंटेंस के, चारों सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है। देखिए यहाँ पे कम है, सी कैपिटल लेटर से, वाई है, यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल लेटर से है, हाउ यहाँ पे एच कैपिटल लेटर से है, थी यहाँ पे एच कैपिटल लेटर से है। याद रखेंगे एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। नेक्स्ट है, द वर्ड इन ए सेंटेंस मस्ट बी इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। और एक जो सेंटेंस होता है वो हमेशा उसका सही क्रम में होना चाहिए। और एक सेंटेंस का क्रम, सही क्रम होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब को लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। यह एक सेंटेंस का सही ऑर्डर होता है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर कोई भी सेंटेंस है तो सेंटेंस हमेशा, सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, और वह सेंटेंस का सीक्वेंस जो हमेशा प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब सीक्वेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का स्थान होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। एक सही सेंटेंस का सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट कहता है, ए सेंटेंस एंड्स विथ ए फुल स्टॉप। और जब हमेशा जब भी एक सेंटेंस जब खत्म होती है, एंड होता है, तो उसके लास्ट में, अंत में उसका अंत किसे होता है, या तो फुल स्टॉप से होता है, या क्वेश्चन मार्क से होता है, या एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। तो जब याद रखेंगे कि सेंटेंस का रूल में पहला चीज कि वो कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए, सेंटेंस का सीक्वेंस जो ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए, एंड थर्ड है सेंटेंस जब खत्म होती है, एंड होता है, तो जिस तरह से वो सेंटेंस है उसके अनुसार एक फुल स्टॉप लगेगा, नहीं तो क्वेश्चन मार्क्स या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगेगा। तो ये एक सेंटेंस का सीक्वेंस था। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेंटेंस का टाइप समझेंगे और अच्छे से सेंटेंस के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। थैंक यू।